थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए हम यहाँ पे रुके हैं। हमने 250 किलोमीटर गाड़ी रन थ्रू चलाई है। ये मेरे साथ आए हुए हैं, ये हमारे शर्मा जी, इनका पूरा नाम है परवीन शर्मा जी, और ये इनकी मिसिज हैं। ये मेरे फ्रेंड चंडीगढ़ से हैं, इनसे आपको मिलवाता हूँ। आप मेरे साथ आए हो, कैसा महसूस हो रहा है इस हाईवे के ऊपर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। वो भी चंडीगढ़ से हैं फिलहाल, ये पहले मेरे साथ करनाल में ही रहा करते थे, और मेरे क्लासमेट भी हैं। दूसरा, ये बचपन के क्लासमेट हैं, हम थर्ड क्लास से इकट्ठे हैं और आज तक भी हम साथ हैं। क्या आपके भी कोई ऐसे फ्रेंड हैं जो इतना टाइम से साथ हैं? फ्रेंड कह के भी शायद उससे भी कुछ ऊपर हों, तो वो मेरे लिए ये हैं। ये कुछ पहली बार आए हैं, क्योंकि कैमरे के आगे फेस नहीं कर पा रहे, इसलिए शर्माते रहे। वैसे बड़े हसमुख हैं। अब हम मावा की तरफ मोड़ लिया है। हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया दिन, नई जर्नी। हम लोग आज मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, आप सब लोगों को भी वहाँ के दर्शन कराएंगे। उसमें मेरे फ्रेंड सर्कल्स और मेरी फैमिली साथ जाएंगे, जो आपको इंट्रोडक्शन सबके साथ करवाऊंगा। आइए चलिए मेहंदीपुर बालाजी, जो राजस्थान में पड़ता है, और वहाँ के रास्ते, टोल सब आपको मैं बताऊंगा कितना खर्चा आता है। प्लीज़ आप सब मेरे साथ बने रहें। अभी हम GT रोड से निकल के NH 44 पर आ चुके हैं। यहाँ से हम KMP का जो हाईवे है एक्सप्रेस पे, उस पर आ जाएंगे। अभी अभी हम करनाल में हैं। अभी हम गरुंडा के पास पहुंचने वाले हैं, और इस हाईवे की स्पीड लिमिट है 90, और बीच बीच हाईवे में स्पीड कैमरा भी आ रहे हैं। यह हमारी जर्नी का पहला टोल है, जो गरुंडा के पास पड़ता है। अब हम टोल के पास पहुंच चुके हैं, और टोल यहाँ से 300 मीटर दूर रह गया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ का टोल कितने का पड़ता है हमारे को।
लाइनों में लगने के बाद अब हमारा नंबर आ चुका है और यहाँ का जो टोल है वह 175 फॉर सिंगल साइड। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, सिग्नल भी ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ से हम पानीपत टोल वाले रास्ते पे जाएंगे जो KMP को कनेक्ट करेगा। तो चलो आपको लेके चलते हैं। तो अब हमारे सफ़र का ये दूसरा टोल आ चुका है जो पानीपत एक्सप्रेसवे का है, और इसका जो प्राइस होगा वो 30 to 40 के नियर बाय रहेगा। रात के टाइम पे वैसे भी टोल खाली होते हैं तो जल्दी जल्दी हम निकल सकते हैं। तो हाँ, यहाँ का जो टोल है वो 40 रुपये है और सिंगल साइड। तो चलिए अब अपना टोल पे करके आगे के रास्ते चलते हैं। तो कुछ देर वेट करने के बाद भैया ने हमारे को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक पानीपत का और एक दिल्ली साइड का। हमें तो KMP पे जाना है तो इसलिए हम दिल्ली का रास्ता चूज़ कर रहे हैं। रात के टाइम पर रास्ते खाली होते हैं तो हम जल्दी जल्दी निकल सकते हैं। और अब कुछ दूर चलते ही बीच रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लग गई और लाइट भी चली गई है हाईवे की। तो जब ऐसा कुछ होता है ना, रास्ते में बारिश आ जाती है, तब गाड़ी स्लो स्लो चलानी पड़ती है, वो बहुत तेज आ रहा है, जिससे हमारे सफर का मजा किरकिरा होने स्टार्ट हो जाता है। In 300 meters, keep right. तो अब हम इस हाईवे को एग्जिट करके हम KMP पे जाएंगे। Keep right. जो रोहतक साइड पे जाता है उसका व्यू जो है वो डे में बहुत सुंदर है। अगर रात में अगर व्यू मिल पाया तो मैं जरूर आप सबको दिखाना चाहूंगा। Continue on current. तो अब हमारे सफ़र का तीसरा टोल आ चुका है जो है KMP, जिससे हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ेंगे। और यहाँ की खूबसूरती बहुत अच्छी लग रही है लाइटों से, क्योंकि 8, 9, 10 को जो दिल्ली में G20 होने जा रहा है उसकी खूबसूरती से पूरे दिल्ली को चमका दिया है। तो चलिए हम अपने टोल की ओर बढ़ते हैं। रात के समय यहाँ पे सिर्फ ट्रक ही होते, ऑलमोस्ट गाड़ी ना के बराबर ही दिखती है। और टोल पे बहुत भीड़ है इस टाइम पे। तो हम जल्दी जल्दी टोल को क्रॉस करके अपने सफ़र को जल्दी से पूरा करते हैं। इतनी देर तक लाइनों में लगने के बाद अब हमारा नंबर आ चुका है। और ये जो टोल है वो एंट्री टोल है, एग्ज़िट के बाद हमारे पैसे कटेंगे फास्टैग से, आप जिससे पे कर रहे होंगे।
जैसे जैसे हम अपने सफ़र की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे दिन भी होता जा रहा है और खूबसूरती अलग ही आ रही है नज़ारों की, और घने बादल भी हो रहे हैं जिससे मुझे लगता है बारिश होगी आज दोबारा। अब हम इस टोल को एग्ज़िट करेंगे, इधर से दिल्ली भी जाता है और जयपुर भी जाता है, लेकिन हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाना है, तो अभी हम थोड़ा सा इसको कंट्रोल रखेंगे। लग रहा है हम जयपुर में नहीं, हम हिमाचल के पहाड़ों में हैं और यहाँ का जो नज़ारा आ रहा है बहुत ही प्यारा आ रहा है। आप अपनी आंखों से तो नहीं देख पा रहे होंगे, जो मेरे को दिख रहा है वो बहुत ही प्यारे रास्ते और बहुत प्यारा सफ़र दिख रहा है। Thank you.
अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आउटर पर हैं। जो ये आपको दिख रहा है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का राउंड सर्कल है। अब यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए। अभी हम जो टोल पे करने जा रहे हैं वो KMP का है, जो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे का है। तो देखते हैं यहाँ का जो टोल है वो कितने का पड़ता है हमारे को। यहाँ का जो तो टोल है वो 225 रुपये का है। और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर है। In 400 meters at the roundabout, take the first exit onto the National Expressway 4 ramp. 1200 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
लड़ने की लड़ाई। अभी हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चढ़ चुके हैं और इसकी जो स्पीड है वो है 120 फॉर कार्स के लिए, बट हम अपनी स्पीड लिमिट में चढ़ जाएंगे। ये जो एक्सप्रेस वे है ये 6 लाइन एक्सप्रेस वे है फॉर वन साइड। तो चलिए अब हम इस सफर को कंटिन्यू करते हैं।
स्ट्रेच करने के लिए हम यहाँ पे रुके हैं और वॉशरूम के लिए भी रुके हैं। थोड़ा रुक के हम अब आगे चलेंगे क्योंकि हमने 250 किलोमीटर गाड़ी रन थ्रू चलाई है और यहाँ रेस्ट रूम है दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे, इसलिए हम थोड़ी देर स्टे करेंगे। ये मेरे साथ आए हुए हैं, ये हमारे शर्मा जी, इनका पूरा नाम है परवीन शर्मा जी और ये इनकी मिसेज हैं। ये मेरे फ्रेंड चंडीगढ़ से हैं, इनसे आपको मिलवाता हूँ। आप मेरे साथ आए हो, कैसा महसूस हो रहा है इस हाईवे के ऊपर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। जो नितिन गडकरी ने बनाया है बहुत बहुत बढ़िया काम किया है, मगर इस हाईवे के ऊपर भी हमें जो महसूस होता है डोगी वगैरह बीच में आते हैं जो उससे एक्सीडेंट होने का कारण ज़्यादा बना हुआ है, और दूसरा वॉशरूम खाने बड़ी दूर दूर हैं जो अभी तक चालू नहीं हुए हैं। अब मैं दूसरे फ्रेंड से मिलाता हूँ, वो भी चंडीगढ़ से हैं फ़िलहाल, ये पहले मेरे साथ करनाल में ही रहा करते थे और मेरे क्लासमेट भी हैं। दूसरा ये बचपन के क्लासमेट हैं, हम थर्ड क्लास से इकट्ठे हैं और आज तक भी हम साथ हैं। क्या आपके भी कोई ऐसे फ्रेंड हैं जो इतना टाइम से साथ? अब हम इसे हाईवे को एग्ज़िट कर रहे हैं, यहाँ से आगे हम मावा की ओर जाएंगे जो हमारा जयपुर आगरा एक्सप्रेसवे पर पहुँचेगा। तो अब हम यहाँ का देखते हैं कि ये लास्ट जो टोल है हमारे को वो कितने का पड़ेगा। शायद आगे भी टोल पड़ सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली एक्सप्रेसवे का ये हमारा लास्ट टोल रहेगा। अब धीरे धीरे चलते चलते हमारा जो टोल है वो आ चुका है और जो यहाँ का टोल है वो 230 रुपये सिंगल साइड है जहाँ से हम चढ़े थे सोना IMT से। टोल खुलने में तो बहुत इंतज़ार लग रहा है, तब तक मैं आपको बताता हूँ जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और लोग कुछ बातें करते हैं, हमारा टोल भी ओपन हो चुका है। अब हम चलते हैं मावा की ओर। अब हम मावा की तरफ मोड़ लिया है, अब यहाँ थोड़ी देर रुक कर हम चाय लेंगे फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे।
छोड़कर अब हम अपने जयपुर आगरा एक्सप्रेस वे पर आ जाएंगे। यहाँ आगे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, लाइक द्वार सा बन रहा है कोई, तो हम यहाँ से अब लेफ्ट लेंगे जो आगे से हमारे को जयपुर आगरा एक्सप्रेस वे पर कनेक्ट करेगा। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सप्रेसवे पर आ चुके हैं जो है जयपुर आगरा एक्सप्रेसवे। ये हमारे को मेहंदीपुर बालाजी के रास्ते में पड़ेगा और यहाँ से हम हमारा मेहंदीपुर बालाजी 70 से 80 किलोमीटर बाकी है। इस हाईवे के भी रास्ते बहुत स्मूथ है और बिल्कुल साफ़ है, कोई भी ऐसा ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। अभी हम मेहंदीपुर बालाजी के रास्ते की ओर आ चुके हैं, तो अब हम यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर हैं बालाजी के मंदिर और। बाहर पार्किंग के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि हम वीकेंड पे आए हैं और यहाँ पे बहुत रश होता है वीकेंड पे, और यहाँ बालाजी की बहुत मान्यता भी है। और आप अपना व्हीकल कहीं सेफ जगह लगाइए क्योंकि ये सेफ पार्किंग नहीं है। अब हम आपको बालाजी के मंदिर की ओर लेकर जा रहे हैं। यहाँ जो मार्केट है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत रौनक लगी हुई है बाजारों में। आपको भी हम मार्केट दिखाते हैं। जो मार्केट का नाम है वो है बालाजी टेम्पल मार्केट। यहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएंगे और बालाजी का सोना भी मिल जाएगा। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से मान्यता पूरी करने आते हैं और मान्यता रखने भी आते हैं। तो इस हम सफर के साथ आप इस सफर पर चलते रहिए, हम आपको बालाजी के दर्शन भी जरूर कराएंगे।
अब हम बिल्कुल बालाजी के मंदिर के और पास पहुंच चुके हैं। ये जो सामने मंदिर है ये राम जी का मंदिर है, और ये जो आपके राइट साइड में मंदिर है वो है श्री बालाजी का मंदिर। यहाँ पे छोटा सा गेट है, जो बालाजी का मंदिर है अंदर, वहाँ से बालाजी के दर्शन हो पा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ से बालाजी के दर्शन कराना चाह रहा हूँ। हम लोग मंदिर के अंदर हैं। मंदिर में ये ठाकुर जी की झांकी बनी हुई है, जिसमें हमारे लड्डू गोपाल जी पालना में सो रहे हैं। यशोदा मैया पालना झुला रही हैं। बालाजी सरकार का ये नज़ारा है। अब हमको बालाजी के दर्शन हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आप सबको भी बालाजी के दर्शन अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप बने रहिए ऐसे ही हमारे हम सफर के साथ। आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट